आज कक्षा 12 के चैप्टर 3 से हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिरोध प्रतिरोधों के संयोजन सेल और सेलों के संयोजन के बारे में। मैं रमेश प्रसाद बड़ोनी प्रवक्तापति आज इंटर कॉलेज से आप शुरू करते हैं आज के पाठ के प्रमुख संबोधों को। जैसा कि आप इस संबोधों में जो आज सीखेंगे उनमें से विशेष हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध संयोजन के प्रकार, सेल और सेलों के संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध और अंकित प्रश्न। प्रतिरोधों के संयोजन से तात्पर्य है कि जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में कई व्यवहारिक सर्किट होते हैं उनमें से दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ें तो उनको जोड़ने के लिए हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे किस तरह से किसी सर्किट में उपयोगी होते हैं, यानी किसी भी प्रतिरोध के जो वैल्यू है उसका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें उसके अलग अलग उद्देश्यों को देखना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कक्षा 10 में ही हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि प्रतिरोधों के संयोजन के दो तरीके होते हैं, नंबर एक श्रेणी क्रम या श्रृंखला क्रम, नंबर दो असमांतर क्रम। तो आइए हम समझते हैं कि श्रृंखला और समांतर क्रम का मतलब क्या है। तो जैसे कि श्रृंखला में प्रतिरोधों को यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि इस संयोजन में प्रतिरोधों के संयुक्त रूप से हमने अलग अलग R1, R2, R3 और सो ऑन तीन प्रतिरोध लिए हैं और उनको हमने इस तरह से जोड़ा हुआ है कि एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल नेक टू नेक जुड़े हुए हैं और ये श्रेणी क्रम में दिखते हैं। तो इसका जो सामान्य कन्वेंशनल सर्किट है वो हमने इस तरह से दिखाया कि R1, R2 और R3 ये तीन रेजिस्टेंस हैं और ये तीनों रेजिस्टेंस जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनमें आई करंट जो है वो प्रभावित हो रही है। तो जो श्रृंखला या श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसकी जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से धारा का मान स्थिर रहता है, विभिन्न प्रतिरोधों के बीच विभवांतर का मान अलग अलग हो जाता है। संयुक्त प्रतिरोध जो इसका होता है वो एक बड़ा प्रतिरोध के रूप में होता है और हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस होता है या उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसको हम यहाँ पर इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कि हम R1 अगर निकालेंगे तो ये IV1, इसी तरह से जो R2 होगा IV2 और जो R3 होगा वो IV3। तो ये जो मान है अलग अलग R1, R2, R3 के इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब है तुल्य प्रतिरोध। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर टर्मिनल या उसके अंत में जिसके माध्यम में हमने इसको किसी उपकरण से जुड़ा है तो जब उसमें धारा प्रवेश करेगी तो प्लस टर्मिनल से होकर जो धारा गुजरेगी वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में तो यहाँ पर उसका जो मान होगा प्रतिरोध का वो अधिकतम होगा, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध परिधि विभवांतर V1, V2 और V3 सोन है। तो जब परिपथ में आई धारा प्रभावित हो रही है तो जो कुल विभवांतर होगा वो तीनों विभवांतर का जो योग होगा उसके बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आप जोड़ेंगे और जो हमारे ये V1 V2 V3 के मान है हम इनको इस तरह से निकालेंगे V = IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V1, V2 और V3 मान रखते हैं ओम्स से और यहाँ पर I के समान है तो हमने V = I को हम ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम V/I कर देंगे तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 है और V/I आप जानते हैं कि ओम्स के नियम के अनुसार ये R के बराबर होता है तो R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 प्लस R प्लस R3। तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं अगर हम इस तरह से n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ें या हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को इसी क्रम में जोड़ें तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस Ω प्लस Rn के। यहाँ पर हम इसको एक छोटे से डेमो के मदद से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाए हैं कि दो अलग अलग बल्ब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं और उनके मान हम यहाँ पर R1 और R2 को सुख कर रहे हैं और उनका जो भी तुल्य प्रतिरोध आएगा वो यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर हमने एक बैटरी को इसे जोड़ रखा है और बैटरी का मान भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से सर्किट में करंट का मान चेंज हो रहा है और जो हमारे पास दो लोड लगे हुए हैं यहाँ पर R1 और R2 उनमें किस तरह से हमारे पास जो है वो वोल्टेज का मान यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई देगा। तो हम इसको यहाँ पर देख ले रहे हैं, जैसे आप देख रहा है मैं बैटरी पर जो है अगर बैटरी का मान या रेजिस्टेंस का मान मैं चेंज करता हूँ तो मुझे ये जो करंट के मान ये बदलते हुए दिखाई देंगे। तो मान लीजिए मैंने R2 रेजिस्टेंस को परिवर्तित किया तो आप देख रहे होंगे करंट का मान कैसे चेंज हुआ, R1 का मान मैंने चेंज किया तो किस तरह से जो है उनके वोल्टेज के मान चेंज हो रहे हैं। तो अलग अलग रेजिस्टेंस में हम देखेंगे कि करंट कॉन्स्टेंट रहेगी लेकिन वोल्टेज के मान वहाँ पर जो है वो चेंज होंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है किस तरह से जो है अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में कर दें तो किस तरह से उनके मान बदलते हैं। तो यानी आप अपने आप से भी यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मान दे रहा हूँ 2 ओम मैंने दे दिया है, फिर मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ पर पोटेंशियल चेंज हुआ है। इसी तरह से मैं वोल्टेज का मान अगर यहाँ पर बदल दूँ तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि किस तरह से जो है यहाँ पर वोल्टेज के मान बदलने से मैंने यहाँ पर जो है 12 वोल्ट कर लिया तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से जो V1 और V2 के मान चेंज हो गए और R1 और R2 के मान यहाँ पर चेंज हो गए। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी सर्किट में अगर लोड या रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो R का मान बढ़ने से या R2 का मान बढ़ने से किस तरह से जो है तुल्य प्रतिरोध तो मन दल रहा है या उस जैसे ऐड हो रहा है और किस तरह से बैटरी जो हमने सोर्स बैटरी लगाई है फर्स्ट सोर्स लाया उसका मान बदलने से परिपथ में जो है वो हमारे को ये दिखाई दे रहा है कि तुल्य प्रतिरोध का मान या करंट जो फ्लो है वहां पर उस समय कितना उसके अक्रॉस आ रहा है यानी कोविड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि श्रेणी क्रम में इस तरह से तुल्य प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं।
इसी तरह से हम सामंत संयोजन में प्रतिरोधों का जो है मेंशन करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से जुड़े होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ठीक उसके विपरीत है कि यहाँ पर ये जो टर्मिनल है टर्मिनल से तीन पॉइंट निकल रहे हैं R1 के लिए R2 के और R3 के लिए और यहाँ पर जो है प्रत्येक शाखा में अलग अलग करंट जा रही है। तो यहाँ पर जो करंट है वो R1 के लिए I1 है R2 के R2 है I3 के लिए R3 है और फाइनली वो टर्मिनल B पे आ रही है तो उसका सम हो जा रहा है यानी वो मान जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम जो वी है वो निकालेंगे तो वी इक्वल टू आई और आर इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो वी का मान है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अलग अलग रेजिस्टेंसेस के लिए R1 R2 R3 के लिए जो यहाँ पर हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हम जब ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कंडीशन है जैसे कि प्रत्येक प्रतिरोध पर यहाँ पर समान विभवांतर होगा। इसी तरह से प्रत्येक शाखा में जो प्रतिरोध है उनके लिए धाराओं के मान अलग अलग होंगे और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो शाखा में या ब्रांचेज में उसका जो मान होगा वो घटता चला जाएगा। या आप कह सकते हैं संयुक्त प्रतिरोध का जो मान है ब्रांचेज में वो यहाँ पर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के मान से कम होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो तुल्य धारा होगी वो क्या होगी आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। हम इनके मान यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि वी कॉन्स्टेंट है तो आई बराबर वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। तो यहाँ पे वी कॉमन है तो हम बराबर हो गया आई बराबर वी वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो आई अपॉन वी हम इस तरफ गया है तो हमारा हो गया वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन आर थ्री। आई अपॉन वी को हम तुल्य जो है प्रतिरोध यहाँ पे कहेंगे तो इसका जो मान होगा वन अपॉन आर इक्वल टू इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो यहाँ पर जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आया है वो श्रेणी के रखे कंपैरिजन में उसका जो फॉर्मूला है जस्ट उसका इन्वर्स दिखता है यानी कि वहाँ पर रेजिस्टेंस का मान बहुत बड़ा आया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान लगातार जो है वो घटा हुआ आएगा यानी कम होता है। मदद से देखते हैं कि किस तरह से जो है हम सोर्स वोल्टेज को बदलते हैं जब तो यहाँ पर जो दो प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो किस तरह से उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका मान चेंज होता है। तो आप देख रहे होंगे R1 R2 की वैल्यू को मैं जैसे सिलेंडर की मदद से चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान चेंज हो रहा है। मैं बैटरी से जो है सोर्स बैटरी का जो EMF है वो बदल रहा हूँ तो यहाँ पर जो करंट है वो करंट मान जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन सोर्स वोल्टेज वो कांस्टेंट है। तो यहाँ भी पता चलता है कांस्टेंट वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज को अगर कांस्टेंट करें तो हम अलग अलग परिपथों के लिए अलग अलग करंट मान दे सकते हैं यानी लोड जिस तरह की हमें जरूरत कहीं बल्ब लगना है टीवी लगना है या कोई और लोड लगना है तो उनको कितनी करंट चाहिए इनपुट करंट उनको कितनी चाहिए उसके हिसाब से हम उनके रेजिस्टेंस को फिक्स कर सकते हैं और जो हमारा सोर्स वोल्टेज है वो हमारा स्थिर होगा। तो इस तरह के कम्बिनेशन अक्सर हम देख जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये समतुल्य प्रतिरोधों का महत्व क्या है। तो जैसे कि आपने अभी दोनों डेमो में देखा जो समतुल्य प्रतिरोध है जो परिणामी प्रतिरोध है उसका जो मान है वो हमें ये बताया है कि हमें सर्किट में कितनी करंट लेनी है। अगर आपको करंट का मान नहीं बदलना तो हम श्रेणी क्रम का परिपथ लगाएंगे और यदि हमें समांतर क्रम चाहिए तो हमें करंट के अलग अलग मान लेने होंगे तो दिए गए लोडों के हिसाब से हम जो है कम्बिनेशन करेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध एक ऐसा इक्विवेलेंट प्रतिरोध है जो सेल से समान धारा लेता है जैसा कि हमने सेल से एक साथ जुड़े हुए प्रतिरोधों के मामले में देखा था जो श्रेणी क्रम में थे। अब बात करते हैं विद्युत भाग बल की। निक्सी सेल का विद्युत भाग बल क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग फोर्स है जो चालकों में मौजूद आवेशों को गति के लिए ऊर्जा देता है यानी जो EMF है बेसिकली कोई बैटरी या सेल या जनरेटर या डायनेमो है जो किसी भी परिपथ में एक ऊर्जा स्रोत की तरह काम करता है। जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ऊर्जा की जरूरत होती है तो वह ऊर्जा हमारे पास एक EMF के रूप में होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यहाँ पर बस से नहीं है लेकिन किसी भी क्लोज सर्किट में इकाई धनावेश द्वारा किया गया कार्य से है यानी किसी भी परिपथ में जो सोर्स ऑफ EMF है वो आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में स्पेशली धनावेश एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य करता है उसको हम EMF कहते हैं। और यह सेल के टर्मिनलों के बीच अधिकतम विभवांतर के रूप में परिभाषित होता है जब सेल में कोई करंट हमारी फ्लो नहीं हो रही है यानी जब हम कोई करंट ड्रॉ नहीं देंगे तो उस समय उस सेल में अधिकतम विभवांतर होगा यानी अधिकतम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा या आप कह सकते हैं उसकी अधिकतम ऊर्जा उस समय होगी। अब हम बात करते हैं कि जो सेल है उनका टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है यानी कि किसी भी सेल को जब सर्किट में जोड़ते हैं तो उस समय जो हम करंट ड्रॉ करते हैं तो उस समय जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं यानी वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल का विभवांतर। तो सेल के टर्मिनलों के बीच अधिकतम विभवांतर वह ऊर्जा है जो सेल से धारा के कारण उत्पन्न होती है। EMF और सेल के जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और EMF है उन दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि जब सर्किट में EMF होता है तो उस समय जो है वहाँ पर सर्किट में करंट नहीं ली जाती लेकिन जब हम सर्किट से करंट लेना शुरू कर देते हैं तो वही जो EMF है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो उसका मान है नेचुरली बातें हैं कि उसका मान कम होगा और इसका कारण है जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पर जो सेल लगा है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का कुछ अपना अवरोध होता है जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल आवेश को जाने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है उस अवरोध को उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर सीधा आप समझ सकते हैं कि किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है रसायन है उसके कारण जो लोड का एक्शन होता है तो वह सर्किट में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है। इस तरह का अवरोध उत्पन्न करना
आंतरिक प्रतिरोध की वजह से होता है। तो किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल के इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध अन्य बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति, इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोड है उनकी जो हाइट्स है वो कितनी हाइट्स पर है उस पर, और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो टेम्परेचर पर हो रहा है उस टेम्परेचर पर जो है आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। अब हम यहाँ पर संबंध ज्ञात करेंगे विद्युत वाहक बल यानी EMF और टर्मिनल वोल्टेज TPD में। तो जैसे कि आप यहाँ पर सर्किट में देख रहे हैं कि हमने एक सेल को यहाँ पे दर्शाया हुआ है और उस सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R है, और यहाँ पे जो हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं वो I कर रहे हैं, और ये जो कैपिटल R है वो सर्किट में लोड रेजिस्टेंस है जिसके माध्यम से हम आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि जब जो है सेल में हम EMF सोर्स जोड़ते हैं और जैसे सर्किट ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो है करंट फ्लो करने लग जाती है। तो इस तरह की जो करंट फ्लो यहाँ पर करती है वो TPD होता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव भी है, यानी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका जो मान होगा वो होगा -IR कैपिटल R फिर -I r प्लस E=0। आप ऐसा भी लिख सकते हैं E=IR प्लस IR, ये दो R हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये एक तरह का सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर IR है उसका मान हम लिख सकते हैं TPD के बराबर, तो हो जाएगा -V फिर -I r प्लस E=0। तो इस समीकरण के हिसाब से लिख सकते हैं V=E-IR। तो यहाँ पर जैसे कि पता है जो सर सेल का जो EMF है वो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा, तो यहाँ पर जो है सेल डिस्चार्ज होने पे वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर देन EMF हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर V=2 हो जाएगा E-IR। तो इसका मान अगर हम रख लें IR बराबर E-V, तो ये समीकरण में ये बताती है कि जो E-V का डिफरेंस है वो IR के बराबर है। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा स्मॉल आर। यहाँ पर हम सीधा ये कहने का अर्थ है कि किसी भी सेल के लिए उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट से नेचर पे, उसकी कंसंट्रेशन पे। और हम कह सकते हैं कि यदि वहाँ पर परिपथ में हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया है अगर उसका मान हम शून्य करें तो उस समय इस सेल से जो भी करंट ड्रॉ होगी उसका मान अधिकतम होगा, यानी I maximum = E/R। क्योंकि उस केस में हम जो कैपिटल आ रहे हैं हमने कहा कि वो अगर शून्य है यानी सर्किट में कोई बाह्य प्रतिरोध नहीं लगा है तो उस स्थिति में जो करंट का मान है वो E/R होगा। जबकि देखा गया है कि अधिकांश सेलों में वह है वो EMF या एनर्जी की जो क्षति होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण होती है, लेकिन इस क्षति को हम बहुत कम मान लेते हैं। तो उसके लिए हम लोकल एक्शन को यानी उसके अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं सेल के अंदर पोलराइजेशन होता है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो सेलों में जो उसकी अब हम बात करते हैं सेलों के संयोजन की। तो सेल के संयोजन भी उसी तरह के होते हैं जैसे कि प्रतिरोधों के संयोजन। तो सेल संयोजन सीरीज में और पैरेलल में होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक सर्किट यहाँ पर दिखाया है कि इस सर्किट में हमने धारा और वोल्टेज की गणना को ज्ञात करने के लिए दो सेलों को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ के दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम में जब जोड़ा तो एक सेल E1 है, एक E2 है, और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है R1 और R2 है उनको हमें जुड़ा हुआ है एक बाह्य प्रतिरोध से। तो यहाँ पर कितनी करंट इससे निकलेगी और फिर कितना इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल होगा इन सेलों के में देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने कहा कि R1 और R2 इन दो सेलों के अपने आंतरिक प्रतिरोध हैं, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा जो सेलों के बीच का हमारा EMF है अगर हम उसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो E1 प्लस E2 जो मान होगा और उससे निकलने वाली जो आंतरिक प्रतिरोध की कारण धारा है तो उनको अगर एक समीकरण से लिखें तो यहाँ पर जो हो जाएगा -IR-IR2 प्लस E1 एक सर्किल, फिर दूसरे सर्किल -IR2 प्लस E2=0। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि IR का जो मान है वो -V होगा प्लस E1 E2 ने कहा लिख लिया -I का मूल्य R1 + R2=0। ये चित्र के अनुसार आप देख रहे हो जैसे समीकरण हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो V बराबर हो गया वो हो गया E1 + V2 यानी दोनों EMF IU माइनस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गुणा जो है धारा, तो I ब्रैकेट में R1 + R2। तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जो इक्विवेलेंट हमारा EMF है उसमें से अगर हम IR यहाँ पर कौन वाला इंटरनल रेजिस्टेंस वो अगर हम घटा दें तो वो यहाँ पर TPD होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनलों पर विभवांतर का मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट हमारा सीधा है E1 + E2 और जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध का इक्विवेलेंट है उसका जो मान है वो है R1 + R2 दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर इस समीकरण को यूज करेंगे V = E-I। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इस तरह से n नंबर ऑफ सेल लगा देंगे तो उनके लिए जो E इक्विवेलेंट होगा वो E के बराबर होगा यानी नंबर ऑफ सेल गुणा उनके EMF। तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे और आर भी जो है यहाँ पर सीधा क्या होगा R = NR। n का मतलब नंबर ऑफ आंतरिक प्रतिरोध, नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दोनों ही मान को हम यूज करते हुए कह सकते हैं V = NE-NIR। तो यहाँ पर हमारा V का मान IR है तो वो बराबर हो गया IR = NE-NIR। यहाँ से I निकाल लेंगे तो I बराबर हो गया NE/R+NR। तो यहाँ कह सकते हैं कि I का मान यानी करंट का मान अधिकतम तब होगा जब जो लोड रेजिस्टेंस है उसका मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक होगा। I maximum = हमारा हो जाएगा NE/R। यानी इसी तरह से शांत क्रम के सेलों के संयोजन में हम देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने E1 E2 या सोम जो है कुछ सेल लिया उनको शांत क्रम में जुड़ा हुआ है और उनमें जो है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुँचने में आप देख रहे होंगे कि जो करंट और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहाँ पर
इसका जो कन्वेंशनल डायग्राम है उसे देख हमें पता चलता है कि हम E1 बैटरी से E2 बैटरी से लोड के अक्रॉस कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर I1 और I2 जो करंट की मान है वो सेल के प्लस इलेक्ट्रोड में प्रभावित होने वाली धारा है। बिंदु B1 पर I1 तथा I2 प्रभावित होती है जबकि कुल धारा I का मान जो है वो बाहर की ओर है, यानी दो करंट I1 और I2 इनवर्ड है, लेकिन जब उनको हम टोटल करते हैं इक्विवेलेंट करंट निकालते हैं तो उसका मान जो है वो बाहर की तरफ इंडिकेट होता है, यानी वो आउटवर्ड्स होता है। इस डायरेक्शन में पता चलता है कि हमारी जो करंट है I वो अपोजिट टू द टर्मिनस है वो फ्लो करेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो इस सर्किट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें टर्मिनल पे देखना है V माइनस जो है B1 माइनस B2, यानी दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले सेल के जो मान होगा वो होगा V बराबर V माइनस V एट B1 और B2 के, E1 माइनस I1 R1 के। तो जैसा कि हमने पहले भी इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा था उसी तरह से दूसरे सेल के लिए जो V होगा वो होगा E2 माइनस I2 R2। अब हम दोनों कंबाइन कर देंगे तो I1 प्लस I2 इन मान को यूज करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो पी होता है वो E माइनस IR के होता है। तो उस मान को यूज करते हैं आई बराबर हम लिख सकते हैं E1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 माइनस V बटे R2। तो यहाँ पर हमारा हम इसको कॉमन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस R2। जो यहाँ पर V का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा E1 R1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है उसके लिए हमारे पास जो टीपी का मान होगा वो भी बराबर हो जाएगा EMF इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो बराबर हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और IR इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा IR1 R2 और R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 और R2 स्मॉल वाले हैं वो क्योंकि समांतर क्रम में होंगे इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर चेंज हुआ है। जैसे पहले RN और सारे R जुड़े थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि समांतर क्रम है वो ये एक्सप्रेशन आपका चेंज हो रहा है। तो 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो यहाँ पर E equivalent upon R equivalent का मान होगा E1 upon R1 plus E2 upon R2। तो यहाँ पर सेल के लिए इस तरह का व्यवहार दर्शाएंगे। तो यदि E1 N सेल है और इसी तरह से उनके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 RN रखें तो उनका क्रम अगर समांतर है तो संयोजन के पश्चात जो है आंतरिक प्रतिरोध किसी एक सेल के बराबर मान के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 4 divided करते हुए जाएंगे 1 upon RN तक। आज के चैप्टर में जो हमने सीखा है वो ये सीखा कि प्रतिरोध के संयोजन को हम किस तरह से करते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजन के पश्चात हम किसी भी सर्किट में क्या रोल है और किस तरह से वो लोड रेजिस्टेंस पर जो है अपना प्रभाव डालते हैं, आउटपुट कितने समय उसका इम्पैक्ट होता है।